गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? टू वेरिएबल्स है ना, पूरा कंसेप्ट कर लिया था टू वेरिएबल्स का और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, और बिगनर बॉक्स फोर दिया था। यस मंगलम, हैप्पी हिंदी दिवस तो कल था ना, हिंदी दिवस तो क्या आज है, कल था क्या आज ही है। चलो हाँ, बिगनर बॉक्स फोर दिया था करने के लिए, तो वो कंप्लीट हो गया क्या, सभी का कंप्लीट हो गया? क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वैरायटी तो वही थी जो मैंने थ्योरी में करा दी थी। ओके चलिए बच्चों, तो ठीक है ना, और मैंने अभी सॉल्यूशन शेयर नहीं किया ना बिगनर बॉक्स फोर का, की कर दिया सॉल्यूशन शेयर कर दिया क्या बिगनर बॉक्स फोर का, कर दिया। चलिए है ना बच्चों, तो आगे अब हम थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है ना, तो आप बोलेंगे कि अभी तक कौन सी थ्योरी पढ़ रहे थे, अभी किसकी थ्योरी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ रहे थे, और अब ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का मतलब हो गया। ओके सेम टू यू, सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज ही है, किसका डेट ऑफ बर्थ है आज? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, डॉक्टर विश्वेश्वरैया है ना, इंजीनियर थे। ओके चलिए, ओके चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देंगे यहां पर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके यश मंगलम, अब पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे कि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी पढ़ी, अब हायर ऑर्डर इक्वेशन मतलब हायर डिग्री, क्यूबिक हो सकती है वो, बायक्वाड्रेटिक हो सकती है, फिफ्थ डिग्री की इक्वेशन हो सकती है, तो हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस एन सो ऑन ए एन। नहीं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, कोई न्यू चैप्टर नहीं है। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स रेस टू एन प्लस ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब चैट में कोई नहीं लिखेंगे, यहां पर ध्यान से सुने मैं क्या बता रहा हूं, ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस एन सो ऑन ए एन, वे ए जीरो ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू आर एंड n is a non-negative integer, non-negative, non-negative integer. fx equal to this, fx equal to a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus n so on an, एक एक power कम होते जाए, ये जितने भी a0 कांस्टेंट है, a1 a2 an दे आर रियल नंबर, और जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगी या जीरो भी चलेगी। ठीक है, इफ a0 इक्वल नॉट जीरो देन fx इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल of degree n,
if a0 equal not 0, then fx is called a polynomial of degree n. Okay, and fx equal to 0, that is a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus an equal to 0 is called polynomial equation of degree n, is called a polynomial equation of degree n. क्या समझ में आ गया कि सभी को fx equal to 0, fx के प्लेस पर polynomial of degree n रख दिया equal to 0, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, this becomes a polynomial equation of degree n. बात समझ में आई क्या सबको? ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 ले लें, n की वैल्यू 1 लेंगे तो fx equal to 0 जो है, n की वैल्यू 1, a0 x plus a1, n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 minus 1 0, x की पावर 0, बस मतलब 1 आ गया, बस यही कंप्लीट हो जाए, a0 x plus a1 equal to 0, तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अगर n equals to 1 ले लें, डिग्री 1 ले लें, तो fx equal to 0 को हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. बात समझ में आ गई? For n equals to 2, fx equal to 0 is quadratic equation. It's quadratic equation. N equal to 3, fx equal to 0 is cubic equation. Cubic. N equal to 4 है अगर. So, fx equal to 0 is biquadratic. Biquadratic or quartic. Biquadratic or quartic equation. क्या ये बात समझ में आ गई कि सबको? ठीक है, हो गया सभी का, कंप्लीट हो गया. यश मंगलम और ईशान, हाँ तन्वी बोल रहे हैं वेट करने का, चलो मैं वेट करता हूं 2 मिनट, 1 मिनट मैं नोट कर लूं. हो गया, चलिए सभी का हो गया.
ठीक है बच्चों, अब अगर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, एन डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री, तो फर्स्ट पॉइंट इट हैज एट मोस्ट एन रूट्स, एंथ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एन रूट्स हो सकते हैं, अगर एन से ज्यादा रूट्स हैं तो वो इक्वेशन नहीं है, क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, पहले लिख देता हूं मैं ऊपर, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डिग्री, डिग्री एन का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटमोस्ट एन रूट्स, एटमोस्ट एन रूट्स इफ इट हैज, है ना, ज्यादा से ज्यादा एन रूट्स हो सकते हैं, इफ इट हैज मोर देन एन रूट्स then it becomes an identity, then it becomes an identity, है ना, ये equation ना होके क्या बन जाएगी, एक identity, quadratic में भी था यही point, same point quadratic में था कि किसी भी quadratic equation के ज्यादा से ज्यादा two roots हो सकते हैं, अगर किसी quadratic equation के दो से ज्यादा root हैं, then it becomes an identity, okay, is it clear? Second point, equation irrational roots of polynomial equation fx equal to zero, irrational roots of polynomial equation fx equal to zero with rational coefficients, with rational coefficients always occur in pairs, always occur in pairs, pro pairs लिख देता हूं मैं, p plus root q, p minus root q, इस type का pair, p प्लस रूट क्यू है ना, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट, ये क्वाड्रेटिक में भी था, ये पॉइंट सेम पॉइंट क्वाड्रेटिक में भी था, ठीक है क्या, सेम पॉइंट क्वाड्रेटिक में भी था भाई, पॉलिनोमियल इक्वेशन का पॉइंट क्वाड्रेटिक के लिए भी ट्रू होगा, इरेशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू जीरो विद रेशनल कोएफिशिएंट्स always occur in pairs, किस टाइप के पेयर होंगे, अगर एक रूट थ्री प्लस रूट फाइव है तो दूसरा रूट थ्री माइनस रूट फाइव ही होगा, दूसरा रूट थ्री माइनस रूट फाइव ही होगा, अगर रेशनल कोएफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है क्या, बात समझ में आई क्या, सेकेंड पॉइंट समझ में आया क्या, सेम पॉइंट क्वाड्रेटिक में भी था, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इमेजिनरी रूट्स, ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो विद रियल कोएफिशिएंट्स always occurs in conjugate pairs, conjugate pairs का मतलब
जैसे एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट पी माइनस आयोटा क्यू होगा। वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट, अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट पी माइनस आयोटा क्यू ही होगा। ये सेम पॉइंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। क्या तीनों पॉइंट समझ में आए क्या सभी को? ऑल थ्री पॉइंट्स क्लियर हो गए क्या? हाँ, ये पॉइंट भी था क्वाड्रेटिक में, बिल्कुल था, ये पॉइंट भी क्वाड्रेटिक में था। ठीक है, चलिए तीनों पॉइंट हो गए क्या? ये तीनों पॉइंट नोट कर लिए सभी ने। अब दो पॉइंट और, दो पॉइंट और, ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? फोर्थ पॉइंट, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर लेट फोर्थ पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू आर such that a और b two real numbers हैं, इस तरह से such that f a and f b are of opposite sign, f a and f b are of opposite sign, a b belongs to R such that f a and f b are of opposite signs, then there exist at least one, there exist at least one root, one real root, या root एक ही बात लिख सकते हैं, there exist at least one root of the equation fx equal to zero in open interval AB। हाँ देखो, इस पॉइंट को समझना है, ए और बी दो रियल नंबर है, इस तरह से है कि एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन ओपन इंटरवल ए बी। ये सेम पॉइंट हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं कैलकुलस में। देखो कंसेप्ट ये है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती उसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ग्राफ कंटिन्यूस होता, कहीं पर ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, अभी तो हमें बस इतना देखना है कि अगर हम ये x इक्वल टू a, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एफ एक्स पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और x इक्वल टू a पर ये पॉजिटिव है, एफ ए पॉजिटिव है ना, x एक्सिस के ऊपर बन रहा, मतलब एफ ए पॉजिटिव, और ये x इक्वल टू b पर एफ बी नेगेटिव, एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव, तो कम से कम इसका एफ एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वो पॉइंट है एक्स की, वो वैल्यू है जहां पर एफ एक्स जीरो हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रूट। तो ये कम से कम एक रूट लाई करेगा ओपन इंटरवल ए बी, अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के। बात समझ में आई क्या? ये अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब एफ एक्स
ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में कम से कम एक बार जरूर जीरो हो, जरूर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार भी कर सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स इक्वल टू बी, एफ बी पॉजिटिव, एफ ए नेगेटिव, एफ ए एफ ए नेगेटिव, एक सी वन, एक से ज्यादा रूट भी हो गया, सी वन सी टू सी थ्री, ये तीनों रूट है एफ एक्स इक्वल टू जीरो के, जो कि ओपन इंटरवल ए बी के, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट का मतलब एक से ज्यादा भी लाई कर सकते। क्या ये समझ में आए क्या दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आए क्या सभी को, दोनों ग्राफ समझ में आए क्या? बस हमें तो इतना याद रखना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमने अगर एफ ए निकाल लिया एफ बी निकाल लिया, दोनों अपोजिट साइन के आ गए, तो उसके बीच में ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट होगा, और अगर अपोजिट साइन के नहीं आए, सेम साइन के आए, तो कोई रूट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, तो देखो जीरो और वन के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं वो देख, जीरो और वन के बीच, जीरो और वन के बीच में चेक कर, तो एफ जीरो निकाला, एफ जीरो क्या आएगा, सिक्स मतलब पॉजिटिव, एफ वन निकालो, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन माइनस फाइव टू, ये भी पॉजिटिव, सेम साइन के हैं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कोई रूट जीरो से वन में लाई नहीं करेगा। समझ में आया क्या? नो रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज इन राइट जीरो से वन, जीरो से वन में कोई रूट लाई नहीं करता। अब इसी के प्लेस पर अगर मैं वन और फोर के बीच में बात करें, वन और फोर, तो एफ वन निकाले, एफ वन क्या आ रहा है, टू पॉजिटिव, एफ फोर निकाले, एफ फोर निकाला, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फोर फाइव इज ट्वेंटी प्लस सिक्स, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव फोर इज ट्वेंटी, हाँ एफ फोर भी पॉजिटिव आ रहा है क्या, फोर भी पॉजिटिव आ रहा है क्या, तो वन और फोर के बीच में भी रूट लाई नहीं करेगा क्या, एफ वन और एफ फोर अगर सेम साइन के हैं तो अपोजिट साइन के होना चाहिए, ये तो सेम साइन के आ गए है ना, तो कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, सुनो ध्यान से, मतलब अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन के हों तब भी रूट लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट नहीं, एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हो, एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हो, आर ऑफ अपोजिट साइन के साथ में देखो एक चीज और ऐड कर रहा हूं, एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है ना, मैंने एक चीज और ऐड कर दी, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, देन देयर एग्जिस्ट then there exist at least one, there exist at least one real root of the equation. ये समझ में आया क्या? हाँ मैं क्या point ये clear हुआ क्या? इस statement का converse true नहीं है, converse true नहीं है का मतलब कि अगर f1 और f4 same sign के हैं तब भी 1 और 4 के बीच में root lie कर सकते हैं, लेकिन अगर एफ ए और एफ बी अगर अपोजिट साइन के होंगे, अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हों
तो उनके ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा ही, तो डेफिनेटली करेगा ही। समझ में आया क्या? तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैंने एफ वन और एफ फोर सेम साइन के हैं तब भी एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट वन और फोर के बीच में लाई करता। लेकिन अगर हम एफ टू और एफ फोर, एफ टू एफ वन और एफ 2.5, एफ वन और एफ 2.5 निकाले, एफ वन और एफ 2.5, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 2.5 इंटू 5, 2.5 12.5 और 6, हाँ 2.5 सही किया गया मैंने, 6.25, 2.5 2.5 का 5 में इंटू और 6, अब क्या आएगा? ये तो जीरो आ गया, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एफ 2.5 की वैल्यू सही से कैलकुलेट करें, जीरो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, 6 और 6 12.25 माइनस 12.5 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, 6.25 और 6 12.25 माइनस 12.5 नेगेटिव आ रहा है। तो अब F1 और F, मतलब 1 और 2.5 के बीच में एक रूट लाई करेगा ही, एक रूट लाई करेगा ही, ये कंफर्म। अगर अपोजिट साइन क्या है, अगर अपोजिट साइन क्या आएंगे तो एक रूट 1 और 2.5 के बीच में लाई करेंगे, और कर भी रहा है, देखो इसके रूट निकालोगे तो 2 और 3 आ रहे हैं, तो 1 और 2.5 के बीच में 2 आता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीनिंग ये हुआ कि अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं तो 100% एक रूट कम से कम ए और बी के बीच में लाई करेगा, अगर अपोजिट साइन के नहीं है तब भी रूट लाई कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये फोर्थ पॉइंट, सभी को क्लियर हो गया? ओके, नोट कर लें। हाँ ठीक है, 5 मिनट्स, चलो 3 मिनट्स देता हूं। जस्ट मिनट, क्या लिख रहे हैं? ठीक है बच्चों, हो गया। नहीं हुआ आज? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, दिशा और अजित कर रहे हैं नोट।
ठीक है बच्चों, चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, मतलब या तो लीनियर इक्वेशन या क्यूबिक या फिफ्थ डिग्री, every polynomial equation of odd degree has at least one real root, has at least one real root, has at least one real root whose sign is opposite, whose sign is opposite to that of constant term. हाँ समझे इसको, every polynomial equation of odd degree, every polynomial equation fx equal to zero, ये fx equal to zero of odd degree has at least one real root whose sign is opposite to that of constant term. देखो linear equation से ही समझते, linear equation 3x plus 1 equal to 0 है, तो इसका कम से कम एक real root होगा और उसका sign, तो x निकाला तो क्या आया, negative minus, negative आया और जो constant term था उसका sign था positive, उसके opposite होगा, constant term का जो sign है उसके opposite, और ये statement किसके लिए है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि जैसे अपन इवन डिग्री पढ़ते हैं, इवन डिग्री तो जैसे क्वाड्रेटिक आप पढ़ते हैं, ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट्स होते ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक के कुछ केसेस में रियल रूट्स नहीं होते हैं जब डी नेगेटिव हो, है ना, मैंने गलत बोल दिया, वो क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स भी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, तो जब डी नेगेटिव हो तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, पर जब लीनियर इक्वेशन में, क्यूबिक में, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन में कम से कम एक रियल रूट तो हो गई, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, पर जब, क्योंकि ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, लीनियर के लिए हमें सभी के लिए, क्यूबिक के लिए भी ऑलवेज ट्रू हो, जैसे मान लो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका एक रियल रूट आएगा 1, और इसका जो रियल रूट आया उसका साइन, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके साइन क्या अपोजिट है, प्लस वन आया है और कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, समझ में आया क्या, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा ही और उसका साइन कांस्टेंट टर्म के साइन का अपोजिट, पर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो, इज इट क्लियर, क्लियर हो गया सभी को, नहीं फिफ्थ डिग्री इक्वेशन का भी लिख सकते हैं, फिफ्थ सेवंथ सारे किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का लिख सकते,
ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, एटलीस्ट वन रूट और मैक्सिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं? जितना डिग्री है क्यूबिक के, तीन से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम वन, मैक्सिमम रूट्स विल बी द इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? ओके, एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और एफ एक्स की जगह क्या लिखते हैं अपन, ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, राइट? तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, तो अपन लिख लेते हैं, लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन बी द रूट्स of equation fx equal to, समझ में आया क्या? fx equal to zero जो polynomial equation है उसके n roots alpha one alpha two alpha three alpha n। अब हमें जिस तरह हमने quadratic में relations होते हैं, relation between roots and coefficient, sum of roots and product of roots, ये two main relation होते हैं। तो nth degree polynomial equation है तो n roots होंगे, n relation होंगे, roots और coefficients में n relation होंगे। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला मैंने? n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में n रिलेशन हो, n जैसे क्यूबिक होगी तो थ्री रिलेशन, बाय क्वाड्रेटिक होगी तो फोर रिलेशन, nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो n रिलेशन। तो देखो, अब हम फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो क्या मतलब होगा? अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन, सम ऑफ रूट्स। तो माइनस वन टू दी पावर एन, माइनस वन टू दी पावर वन पहला रिलेशन है, तो माइनस वन टू दी पावर वन, ए वन अपॉन ए जीरो, ए वन अपॉन ए जीरो, समझ में आया क्या? माइनस वन टू दी पावर वन ए वन अपॉन ए जीरो, क्वाड्रेटिक होती है तो माइनस बी बाय ए होता है। इसी को हम सिंबॉलिकली ऐसा लिख देते, सिग्मा अल्फा वन का मतलब जिस तरह अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इन सबका सम, समझ में आया क्या? फर्स्ट रिलेशन सबको समझ में आया क्या? फर्स्ट रिलेशन सभी को समझ में आया क्या? अथर्व क्यों समझ में नहीं आया? यस मंगलम, क्यों समझ में नहीं आया? सम ऑफ रूट्स, जिस तरह क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स होता है, इसमें भी सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स अगर एन रूट है, nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के एन रूट है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, तो उन एन रूट्स का सम अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन क्या हो जाएगा? माइनस, पहला रिलेशन है तो माइनस वन की पावर, सेकेंड रिलेशन में आएगा माइनस वन की पावर टू, थर्ड रिलेशन में आएगा माइनस वन की पावर थ्री, ए वन अपॉन ए नॉट, ए वन अपॉन ए जी, सेकेंड रिलेशन में हो जाएगा ए टू अपॉन ए जी, थर्ड रिलेशन में हो जाएगा ए थ्री अपॉन ए जी, इस तरह चलते जाएंगे रिलेशन। समझ में आया क्या? ठीक है, यश मंगलम, ठीक है। अब सेकेंड रिलेशन, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, क्या बोल रहे हैं हम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब जैसे हमने अल्फा वन और अल्फा टू दो एक साथ लिए, फिर उसके बाद अल्फा टू अल्फा थ्री लेंगे, फिर अल्फा थ्री अल्फा फोर, ऐसे को टू के पेयर्स लेना, अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन,
इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। रिलेशन क्या आएगा, सेकंड रिलेशन है तो माइनस वन की पावर टू और ए वन की जगह ए टू अपॉन ए नॉट, ए टू अपॉन, इसको भी सिंबल में लिखें तो क्या आएगा, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू माइनस वन की पावर टू ए टू अपॉन ए नॉट। क्या समझ में आ गया कि सबको, सेकंड रिलेशन समझ में आया क्या, आ गया, नोट करें, नोट करें यहां तक, फिर थर्ड रिलेशन लिखता हूं, फिर nth रिलेशन लिखता हूं। भूषण का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थर्ड रिलेशन बच्चों, थर्ड रिलेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, एक साथ तीन लेना, क्या आ जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर प्लस एंड सो ऑन, अल्फा एन माइनस टू अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर थ्री, ए टू के बाद क्या आएगा, ए थ्री अपॉन ए नॉट या ए जीरो, ठीक। इसी को हम क्या बोले, और सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा, नोटेशन माइनस वन क्यूब ए थ्री अपॉन ए। अब जैसे इसी तरह लिखते जाएंगे तो nth रिलेशन लिख रहा हूं, nth रिलेशन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, एन एन का प्रोडक्ट का सम, तो एन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन रूट्स टेकन एट ए टाइम, तो एन एक जब एक बार ले लोगे पूरे एन तो एक ही टर्म आ पाएगी, अल्फा वन जिसी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो लास्ट रिलेशन है वो डायरेक्ट एक ही टर्म आएगी उसमें, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एन रूट्स का प्रोडक्ट, एक ही टर्म आएगी, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, अल्फा एन इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन ए एन अपॉन ए नॉट, ए एन अपॉन ए नॉट। बात समझ में आ गई क्या, ये फर्स्ट वाला ही नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस वन की पावर एन है, फर्स्ट वाले में तो सम था, ये तो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो हमने ये जो n रिलेशन निकाले हैं इनको हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ ये कंप्लीट हो गया क्या, सभी को कंप्लीट हो गया,
जैसे आप क्वाड्रेटिक में लिखते हो कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक है, और अगर इसके टू रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आप क्या करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टू रूट्स हैं, तो आप क्या लिख लोगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये भी क्वाड्रेटिक है, और साथ में यहाँ ए है तो यहाँ भी ए का इनटू कर। क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही रिलेशन ऐसे ही निकाले थे हमने, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, ये प्रूफ है, तो ध्यान से देखें दोनों साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर, पहले तो इसको पूरा लिख दें, क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बी इंटू कर दिया। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, x का कोफिशियंट कंपेयर करें, माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस वन, शिफ्ट कर दिया माइनस बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट टर्म c, तो अल्फा बीटा c, समझ में आया क्या? विवेक, नो सच प्रॉब्लम, विवेक बोल रहे हैं ब्लर आ रहा है क्या, आप लोगों में से किसी को लग रहा है क्या ब्लर? नो बेटा, सब बोल रहे हैं नो, ठीक है, चेक योर साइड, ओके। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? तो क्वाड्रेटिक, जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक के रिलेशन प्रूव किए, उसी तरह हम nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के रिलेशंस भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर n रूट्स हैं, ax स्क्वायर प्लस bx, ये क्लियर दिख रहा है ब्लू कलर से, ax स्क्वायर प्लस axn a नॉट xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस an, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख लें, nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसको हम ऐसा लिख लें, इसके n रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n, n रूट्स है, ये किससे कंपेयर हो जाएगा, a0 xn प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए। क्या ये समझ में आया सबको, क्या किया जैसे क्वाड्रेटिक में किया था, बिल्कुल वही है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, तो हमने एन रूट्स वाली इक्वेशन लिखी एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा एन, उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको किससे इक्वेट कर दिया, समझ में आया? नाउ equating the coefficients of x की पावर n माइनस टू, x की पावर n का तो पढ़ने की जरूरत नहीं, x की पावर n माइनस वन x की पावर n माइनस टू एंड कॉन्स्टेंट, अगर coefficient कंपेयर कर देंगे तो हमें जो, अब देखो कितने कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब x की पावर 0, 0 से लेकर n माइनस 1 तक, 0 से लेकर n माइनस 1 तक कितने कोफिशिएंट कंपेयर करना है, n 0 से n माइनस 1 तक है, तो n रिलेशन आ जाए, समझ में आया क्या, प्रूफ समझ में आया क्या? तो फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सम ऑफ रूट्स माइनस 1 टू द पावर 1 a1 अपॉन a0, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री
प्लस अल्फा एन माइनस वन, अल्फा एन माइनस वन की पावर टू ए ए टू अपॉन ए नॉट। ठीक है बच्चों, इसी तरह nth रिलेशन अल्फा वन अल्फा टू प्रोडक्ट अल्फा एन एन माइनस वन की पावर एन ए एन अपॉन। विजिबिलिटी क्लियर है क्या ब्लू कलर से? समझ में आया क्या? तो n रिलेशंस कैसे निकाले हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, उनका प्रूफ समझ में आया सभी को? नोट कर लें, नोट कर लें। हो गया कंप्लीट? ओके, आई एम वेटिंग दक्ष, मैं वेट कर रहा हूं, आप कर लें कंप्लीट। हाँ, ईशान का हो गया है कंप्लीट, दक्ष अभी वेट कर करने के लिए बोल रहे हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ऊपर का तरफ कर ही सकते। दक्ष हो गया, ठीक है कर लो। हम इसको क्यूबिक, अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लेंगे तो उसमें कितने रिलेशन आएंगे? थ्री। और बाय क्वाड्रेटिक लेंगे तो कितने रिलेशन आएंगे? फोर। जैसे मैं क्यूबिक ले रहा हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड ए कैन नॉट बी जीरो, तभी क्यूबिक होगी। हाँ, तो कितने रूट्स हैं इसमें? तीन, अल्फा बीटा और गामा। गामा कर देते तो पहला रिलेशन क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस वन की पावर वन, तो माइनस ए वन अपॉन ए जीरो मतलब बी बाय, समझ में आया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा ले लिया, बीटा गामा ले लिया, फिर गामा अल्फा ले लिया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बाय, समझ में आ रहा सबको? सेकेंड रिलेशन है तो माइनस वन का स्क्वायर। थर्ड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस वन का क्यूब माइनस डी बाय। क्या ये रिलेशन सभी को समझ में आए क्या क्यूबिक के? क्यूबिक के लिए ये रिलेशन समझ में आए क्या सभी को? अल्टरनेट माइनस से स्टार्ट होता, अल्टरनेट प्लस माइनस से। अब जैसे बाई क्वाड्रेटिक ले, ए एक्स रेज टू फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर
प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो वेयर ए कैन नॉट बी जीरो, इट इज अ बायक्वाड्रेटिक। तो इसके फोर रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो रिलेशन कितने आएंगे फोर। फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए, क्या ये फर्स्ट रिलेशन समझ में आया क्या सबको? फर्स्ट रिलेशन समझ में आया क्या सबको? ठीक है, अब सेकंड रिलेशन लिखना है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, फोर में से टू एट अ टाइम लेना है, कितनी टर्म आएंगी बताओ? फोर में से टू लेना है, तो देखो अल्फा बीटा एक बीटा गामा, नहीं फोर नहीं आएंगी चिराग, फोर नहीं आएंगी, देखो अल्फा बीटा एक बीटा गामा दो गामा डेल्टा तीन डेल्टा अल्फा चार, फिर फर्स्ट और थर्ड अल्फा गामा और सेकेंड और फोर्थ बीटा डेल्टा, सिक्स टर्म्स आएंगी चिराग, सिक्स टर्म्स आएंगी। यस यस कुणाल बिल्कुल सही, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा, ये फोर हो गई, फिर फर्स्ट और थर्ड अल्फा गामा और फिर बीटा डेल्टा सी बाय ए। ठीक है, अब थ्री थ्री लेंगे, अल्फा बीटा गामा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा बीटा, नेगेटिव आएगा नेगेटिव डी बाई ए, है ना, फोर टर्म आएंगी इसमें, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स ई बाई ए। क्या ये रिलेशन सभी को समझ में आया क्या? लास्ट सेकंड क्यों नहीं आया? पहले ये सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, फोर में से थ्री थ्री के पेयर बनाना है, तो अल्फा बीटा गामा एक फिर बीटा गामा डेल्टा दो फिर गामा डेल्टा अल्फा थ्री फिर डेल्टा अल्फा बीटा फोर, इस तरह से फोर टर्म्स आएंगी। थर्ड रिलेशन बायक्वाड्रेटिक है, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो फोर रिलेशन आएंगे। फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में फाइव रिलेशन आएंगे, हो गया समझ में आया क्या? चलिए नोट करें यश, अब हमें ये रिलेशंस यूटिलाइज करके इक्वेशन सॉल्व करना है, ये रिलेशंस यूटिलाइज करके इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ओके हाँ बच्चों, find the roots of the equation, find the roots find the roots of the equation x cube minus 3x square minus 16x plus 48 equal to 0 when the sum of two roots is zero,
if the sum of two roots is zero. सुनो यार ध्यान से, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है तो आप फर्स्ट रूट तो हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर सकते हैं, और फिर जो फर्स्ट फैक्टर आ जाए तो उस फर्स्ट फैक्टर से पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करके रिमेनिंग टू फैक्टर्स आ जाते हैं। सॉरी, पर हमें उससे नहीं करना है अभी, हमें ये जो कॉफिशियंट रिलेशन बिटवीन कॉफिशियंट एंड रूट्स हमने पढ़ा है उनको यूटिलाइज करके, ठीक है। तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, तो थ्री रूट्स हो सकते हैं, मान लेते हैं तीन रूट अल्फा बीटा गामा है, उनमें से टू रूट्स का सम जीरो है, तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा का सम, ये थ्री रूट्स मान लिया अल्फा बीटा गामा, उसमें से टू रूट्स का सम, ये समझ में आया क्या? तीन रूट क्यूबिक इक्वेशन थी तो थ्री रूट्स मान लिया अल्फा बीटा गामा, उसमें से टू रूट्स का सम जीरो। अब रिलेशंस लगाएंगे, पहला रिलेशन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय ए, तो थ्री आ जाएगा क्या? माइनस बी बाय ए, बी माइनस थ्री है और बाहर माइनस, उसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो, तो गामा विल बी थ्री, समझ में आया। फिर अब सेकेंड रिलेशन लगाओ या थर्ड लगा लो, अल्फा बीटा गामा, थर्ड आएगा माइनस 48, थर्ड रिलेशन डिपेंड, जरूरी नहीं है तीनों लगाना पड़े, अल्फा यहां से बीटा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस अल्फा, और गामा आई गया है 3 माइनस 48, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 48 बाय 3 16, तो अल्फा आ गया प्लस माइनस 4, तो अगर अल्फा प्लस 4 लोगे, अल्फा प्लस 4 लोगे तो बीटा माइनस 4 आएगा, और अगर अल्फा माइनस 4 लोगे तो बीटा प्लस 4 है। तो देखो फाइनली हमें रूट्स बताना है, उसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि यही अल्फा है यही बीटा है और यही गामा जी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जीरो गिवन है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो गिवन है ना, रिलेशन तो ये निकाला हमने, ये रिलेशन लिखे, ये रिलेशन है, ये रिलेशन, उसमें अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है ना, सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो, अल्फा प्लस बीटा जीरो मान लिया, जीरो रख दिया, ठीक है। तो रूट्स आर, रूट्स क्या क्या है? 4 माइनस 4 3 या माइनस 4 4 3, मतलब तो एक ही, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि यही अल्फा यही बीटा यही गामा, तो रूट्स आर कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, 4 माइनस 4 एंड 3, 3 4 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। समझ में आया क्या सभी को, किस तरह से हमने रिलेशन यूटिलाइज किए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये सभी का, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके find the roots of the equation, find the roots of the equation x to the power 4 minus 2x cube plus 2x minus 1 equal to 0, find the roots of the equation x to the power 4 minus 2x cube plus 2x minus 1 equal to 0 if three roots are equal, if roots are equal. If three roots are equal, तीन root equal. Find the roots of the equation x to the power 4
माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इफ थ्री रूट्स आर इक्वल। फाइंड द रूट्स, ऑल फोर रूट्स बताना है। फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, फोर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें से तीन कोई भी तीन इक्वल ले लो, मैंने ये तीन इक्वल ले। फर्स्ट रिलेशन अप्लाई करेंगे माइनस बी बाय ए, फर्स्ट रिलेशन अप्लाई करेंगे माइनस बी बाय ए टू, ठीक है। तो बीटा और गामा दोनों की जगह अल्फा, क्योंकि बीटा भी अल्फा की इक्वल है गामा भी अल्फा की, तो थ्री अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू टू, फर्स्ट रिलेशन से ये निकाला। अब सेकंड रिलेशन से, सेकंड रिलेशन क्या होगा, अल्फा बीटा, या फोर्थ से अप्लाई करें, फोर्थ से भी आ सकता है क्या, चलो सेकंड ही कर लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा, बीटा डेल्टा, सेकेंड रिलेशन। एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो जीरो आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, जीरो, ठीक है। बीटा की जगह भी अल्फा, बीटा की और गामा की जगह भी अल्फा, डेल्टा अल्फा, गामा की जगह भी अल्फा, बीटा की जगह भी। तो देखो थ्री अल्फा स्क्वायर, थ्री अल्फा डेल्टा इक्वल टू जीरो, अल्फा कॉमन निकाला, थ्री अल्फा कॉमन निकाला, अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा विल बी माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा जीरो आया, चेक कर ले, अल्फा मतलब एक रूट, क्या जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, नहीं कर रहा, तो अल्फा इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि अल्फा इक्वल टू जीरो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो अल्फा कैन नॉट बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज इट ओके। यहां तक समझ में आया क्या सबको, यहां तक समझ में आया है। चलिए अब डेल्टा की वैल्यू माइनस अल्फा यहां रख दें, तो टू अल्फा इक्वल टू टू, तो अल्फा इक्वल टू टू बाई टू वन, तो अल्फा वन हो गया, तो देखो तीनों इक्वल है तो रूट से निकाल, तो डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा क्या हो गया, अल्फा माइनस अल्फा तो माइनस, तो रूट्स क्या क्या आ गए, देयर फॉर रूट्स आर, तीन रूट तो सेम है, वन 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 और फोर्थ रूट आ गया माइनस। क्या समझ में आया क्या सबको, किस तरह से हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ हुए टू रूट्स, अरे मां टू रूट्स क्यों हुए, रिपीटेड रूट्स को रूट्स नहीं मानते हैं, फोर रूट्स हुए, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है तो अरे मां रूट्स तो फोर होंगे, फोर रूट्स हैं, ओके। अब उसमें से तीन रिपीटेड हैं, वही तो बोला है इस क्वेश्चन में, थ्री रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स तो फोर है, सॉल्यूशन बोलेंगे तो सॉल्यूशन टू आएंगे, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू, वन एंड माइनस वन, सॉल्यूशन में रिपीटेड काउंट नहीं होता, पर रूट में तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो रिपीटेड रूट को भी रूट काउंट करना पड़ता है हमें। चलिए जल्दी करेंगे, एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स रेज टू फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस सेवनटीन एक्स स्क्वायर
माइनस 17x प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0 इफ टू रूट्स आर इक्वल, इफ टू रूट्स आर इक्वल, इफ टू रूट्स आर इक्वल एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स इज 5 if sum of if two roots are equal and sum of remaining two roots is 5 so agar hum four roots alpha beta gamma delta le le to two roots equal alpha beta equal remaining two kya hai gamma delta unka sum kya hai yahan tak samajh mein aa gaya chirag ek sath charon batana hai theek hai हाँ ये फर्स्ट रिलेशन अप्लाई करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस डी बाय सेवन है उसमें से गामा प्लस डेल्टा 5 है और बीटा की जगह भी अल्फा है और गामा प्लस डेल्टा 5 है 2 अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 5 2 तो अल्फा इक्वल टू 1 तो दो रूट तो 1 आ गए अब जो गामा डेल्टा में एक रिलेशन है अगर गामा डेल्टा में एक और रिलेशन मिल जाए तो हम निकाल लेंगे ठीक है अगर एक और रिलेशन तो जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा फोर्थ रिलेशन अप्लाई किया तो 6 आ गया फोर्थ रिलेशन 6 तो देखो अल्फा की जगह 1 आ गया और अल्फा और बीटा इक्वल ले रखा था अपन ने दिस इंप्लाइज बीटा इज आल्सो 1 1 इनटू 1 इनटू गामा डेल्टा इक्वल टू 6 तो गामा डेल्टा इक्वल टू 6 और यहां से डेल्टा निकाला तो 5 माइनस गामा तो डेल्टा की जगह 5 माइनस गामा तो दिस इक्वेशन गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर उसको उधर ले गए प्लस गामा स्क्वायर माइनस 5 गामा प्लस 6 इक्वल टू 0 हां मैं डेल्टा में स्प्लिट कर दें गामा माइनस 3 गामा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो गामा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू 2 अगर गामा 3 है तो यहां से डेल्टा क्या आएगा गामा अगर 3 है तो डेल्टा क्या आएगा 5 माइनस 3 और डेल्टा क्या आएगा 5 माइनस 2 तो 5 माइनस 3 2 या 5 माइनस 2 3 फाइनली आंसर 1 1 2 3 बिल्कुल सही देयरफॉर रूट्स आर 1 1 2 3 दिस इज द आंसर क्या कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको है ना तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाँ ईशान आई एम वेटिंग कंप्लीट हो जाए तो बताएं हो गया सभी का ईशान का और हो जाए फिर अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी नहीं हुआ आदित्य होने दो है ना कुछ लोगों का बाकी है अभी
ओके बच्चों, हो गया क्या बच्चों? हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं जिसको आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, देन फाइंड the value of 1 by alpha plus 1 by beta plus 1. बहुत आसान है। सबसे पहले तो रिलेशन लिख लें आप। थ्री रिलेशन आएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाय अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस इलेवन अल्फा बीटा गामा माइनस। ये समझ में आया कि सबको ये तीनों रिलेशन कैसे लिखे, ये समझ में आया? ये तीनों रिलेशन, अब जिस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है एलसीएम अल्फा बीटा गामा अल्फा, तो बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू माइनस इलेवन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस। समझ में आ गया कि सभी को? तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका ये हो सकता है कि लास्ट टू रिलेशंस को डिवाइड कर, जो भाई जैसे ये तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक थी, आसानी से बन गया एलसीएम आ गया। फोर्थ डिग्री इक्वेशन हो, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन हो, सिक्स्थ डिग्री इक्वेशन हो, जो हम सिक्स रिलेशन लिखेंगे उसमें लास्ट टू रिलेशंस को डिवाइड कर देंगे। लास्ट टू रिलेशंस को डिवाइड करने से हमेशा हमेशा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बन जाए। क्या बन जाए? ये भी क्या था? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स फाइंड करना है ना। इसके अपॉन में ये तो 1 बाय गामा, बीटा गामा के अपॉन में अल्फा बीटा गामा तो 1 बाय अल्फा, गामा अल्फा के 1 बाय माइनस से माइनस। क्या समझ में आया क्या? जब भी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स फाइंड करना हो तो लास्ट टू रिलेशंस को डिवाइड कर दो तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बन जाए। समझ में आया क्या सभी को? है ना। तो आज मैंने कोई प्रैक्टिस सीट दी थी ना असाइनमेंट में, है ना, तो अभी भी प्रैक्टिस सीट दूंगा। आज मैं बिगिनर बॉक्स 5 नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई बिगिनर बॉक्स 5 के लिए, ठीक है। तो एक और प्रैक्टिस सीट दे दूंगा। कल अपनी क्लास नहीं है क्या? कल क्लास नहीं है? आज दी है, उसका सॉल्यूशन दूंगा और फिर कल के लिए एक और असाइनमेंट दूंगा क्योंकि कल अपनी क्लास आई थिंक नहीं है, है ना। अच्छा आज ही दो दी थी, ओके। तो आप दोनों कीजिएगा, कल शाम को दूंगा, कल इवनिंग में दूंगा एक, ठीक है, अभी नहीं दूंगा, है ना, ओके। उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा कल मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज थ्योरी समझ में आई क्या सभी को? थ्योरी समझ में आई क्या आज सभी को? ओके बाय, सी यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।